बानसूर पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 ट्रैक्टर और एक बड़ा ट्रक पकड़ा है। बानसूर डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर बानसूर में अवैध खनन को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है, जिसको लेकर बानसूर में अवैध रूप से बजरी, पत्थर और डस्ट के भरे हुए 6 ट्रैक्टर व एक ट्रक को पकड़ा है। वहीं डीएसपी ने बताया कि आगे भी कोई अवैध खनन की सूचना मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, बानसूर में अवैध खनन नहीं चलने दिया जाएगा। वहीं उन्होंने आमजन से अपील की है कि अवैध खनन की सूचना पुलिस को दे, पुलिस अवैध खनन को लेकर तुरंत कार्रवाई करेगी। बानसूर पुलिस ने कुछ दिन पहले भी हमीरपुर की पहाड़ियों से अवैध खनन करते हुए 3 ट्रैक्टरों को पकड़ा था। अवैध खनन को लेकर बानसूर पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं और एसपी साहब ने लगातार इस बात को लेकर आदेश फरमाए हुए हैं कि किसी प्रकार का अवैध खनन और अवैध खनन हुई सामग्री का परिवहन नहीं होना चाहिए। इसी के तहत बानसूर पुलिस के द्वारा आज सुबह बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें हमने 6 ट्रैक्टर और एक बड़ा ट्रक पकड़ा है। इसमें जो है पत्थर है छोटे और डस्ट है, उसके अलावा बजरी है और एक बड़ा बजरी का ट्रक भी हमने पकड़ा है, जिसे डिटेन करके हम लोग थाने पर लाए हैं। देखिए, इसमें अभी तक 2 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं और खनन विभाग की भी इसमें कार्रवाई जारी है और भविष्य में भी अगर हमें किसी प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो उन पर अवश्य कार्रवाई करेंगे।